अजीत शर्मा जी हैं हमारे साथ, और रुपेश हत्याकांड की जिस तरह से पुलिस ने आवेदन किया है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है सर, आज आप लोग क्या? भाई, हम लोग महामहिम से इस घटना का सीबीआई जांच की मांग लेकर गए थे। महामहिम को ज्ञापन दिए हैं, परिवार की सुरक्षा, परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी सहित जो भी हम लोगों का डिमांड था, ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। और हमें भरोसा है कि राज्यपाल महोदय इस पर अपने अधिकार का उपयोग करते हुए कार्रवाई करेंगे। और बाकी ये एक बड़ी घटना है, पूरा राज्य मर्माहत है, हमारा समाज मर्माहत है। इस घटना में दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसके लिए हमारी लड़ाई, हमारा समाज लड़ाई लड़ने को तैयार हो गया। तो कहीं आप पुलिस के सवाल पे खड़े, पुलिस का पुलिस है, मनगढ़ंत पटकथा है। अगर मूल अपराधी पकड़ा जाता तो हम लोग पुलिस को बधाई देते, धन्यवाद करते। चूंकि डीजी नहीं कहा था कि हाई प्रोफाइल ये मर्डर है और प्रोफेशनल किलर इसको किया है, तो फिर एक साधारण आदमी से ये कहवाना कि हमने मारा है और साहब जो कह रहे हैं वो सही है, तो ये तो स्पष्ट करता है। इसलिए हम लोग सीबीआई जांच का मांग करते हैं। लेकिन एक जात को क्यों टारगेट, भूमिहार समाज? देखिए, अब कौन क्या टारगेट करता है, तो हम लोग जमीन छोड़ के भागने वाले हैं क्या? हम लोग तो है ही ना। आगे क्या होगा सर? आगे लड़ाई होगी, आंदोलन और तेज होगी। हाँ, लड़ाई होगी। तो साफ तौर से उन्होंने कह दिया है कि लड़ाई और तेज होगी, आंदोलन और तेज होगा। जिस तरह से रुपेश हत्याकांड का हाई प्रोफाइल मर्डर की मामला है, लेकिन एक चोर को पकड़कर उन्होंने साबित किया है कि यही जो शूटर है, किलर है, जो कह सकते हैं हत्यावर है, और उसको पुलिस सामने करती है। और उसके बाद वो जब सवाल उससे होते हैं तो वो कहता है कि जो सर कह रहे वही सत्य है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर ब्रह्मवंशी समाज ने आज राज्यपाल से ज्ञापन सौंपा है और सीबीआई से जांच की मांग की है। अगर उनकी मांग नहीं पूरी होती है तो आंदोलन और उग्र होगा और आंदोलन तेज होगा। सरकार के खिलाफ आंदोलन कह सकते हैं ब्रह्मवंशी समाज जो है वो आंदोलन तेज करने के मूड में आ गई है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस पर कहां से सही से जो अपराधी है वो पकड़ पाती है या नहीं। लेकिन पुलिस के सवाल पर अब अंकुश लग रहे हैं, यानी क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। जिस तरह से पुलिस ने पकड़े हैं अपराधी को, वो अपराधी कहा जा रहा है, लेकिन वो बेसिकली वो चोर है। अब क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहे SG News के साथ।